तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों। भाई साहब मैं कह रहा हूँ अब सलमान खान का टाइम चालू हो गया। बहुत हुआ गदर 2, बहुत हुआ पठान, बहुत हुआ जवान, बहुत हुआ सनी देओल, बहुत हुआ शाहरुख खान, रणवीर सिंह, अब सलमान खान। या दोस्तों जैसे SRK के टाइम हुआ था, पहले फैंस फ्लॉप हुई, फिर जीरो फ्लॉप हुई, उसके बाद 4 साल का सॉलिड गैप लिया, फिर जनवरी 2023 में जब एंट्री मारी तो मैं कहूँगा एंट्री ही नहीं, फाइनल शोडाउन के जैसा लगा पठान के साथ। लेकिन बाद में पता चला पठान तो झांकी थी, जवान अभी बाकी है। और अब जवान का जो तबाही का मंजर रोज देखने को मिल रहा है, कैसे आग फाड़ रही है, हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। अभी सुनने में आ रहा है कि तीसरी फिल्म डंकी जो आने वाली है SRK की, ये तो जवान और पठान का भी बाप है, मतलब इनसे कई गुना खतरनाक निकलेगी ये मूवी। तो SRK ने तो कमबैक कर लिया है, लेकिन 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 अब सलमान खान भाईजान की बारी है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ, पिछली 3-4 फिल्में बहुत बुरी तरीके से ना कि फ्लॉप हुई, पिट गई, लाइक राधे, अंतिम द फाइनल ट्रूथ और किसी का भाई किसी की जान। तो अब Tiger 3 जो आने वाली है नवंबर में दिवाली के पास, मैं कह रहा हूँ आग लगा देगी। हिस्ट्री रिपीट नहीं होगी यहाँ पर, हिस्ट्री रीराइट भी नहीं होगी, हिस्ट्री क्रिएट होगी, रिक्रिएट होगी। सॉलिड कमबैक होने वाला है सलमान का Tiger 3 से, क्योंकि आज Tiger 3 का टीजर से रिलेटेड सॉलिड अपडेट देने वाला हूँ। इसके साथ एक आध चीज़ें और भी बताने वाला हूँ, लेकिन आपको बस छोटा सा काम ये करना है कि अगर सच्चे वाले फ़ैन हो ना सलमान खान के, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना है और वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना है। तो भाई साहब YRF बिजनेस के मामले में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगा, और हटेगा भी भला क्यों, क्योंकि खतरनाक स्पाई यूनिवर्स का दाता जो है बॉलीवुड इंडस्ट्री में, और उसकी इस क्रिएशन की मैं कह रहा हूँ अभी तक की बेस्ट ऑफ द बेस्ट मूवी है, जो हमें 2 महीने के अंदर ही नवंबर में देखने को मिलने वाली है। देखा जाए तो इतना कोई टाइम बचा नहीं है, और ये 2 महीने कब देखते देखते ख़त्म हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। पहले टीजर आएगा, फिर एक आध सॉन्ग आएंगे, फिर ट्रेलर आएगा, फिर एक सॉन्ग में भी हो सकता है निकल जाए, उसके बाद मूवी हमारे सामने रिप्रेजेंट या रखी जाएगी। लेकिन 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 Tiger 3 का टीजर कब आएगा भैया, जिसके नाम से ये वीडियो बनाए हैं आज तुमने, ये सब बातें तो होती रहेंगी, तो ये मैं आपको बता ही देता हूं। जी हाँ दोस्तों, इस महीने के एंड में यानी एंड ऑफ दिस मंथ लास्ट वीक में हमें Tiger 3 का टीजर देखने को मिलने वाला है। टीजर के बारे में बताऊं तो मे भी टीजर में इतना कुछ रिवील नहीं करेंगे और करना भी नहीं चाहिए। सलमान खान का लुक दिखाएंगे, फटाफट 2-3 जबरदस्त एक्शन सीक्वल या सीन दिखा देंगे, और करना भी यही चाहिए। इस तरह से टीजर को रखा जाए हमारे सामने कि जरा भी हमें क्लू ना मिल पाए कि आखिर मूवी में होने क्या वाला है। बिल्कुल भी मैं चाहता ही नहीं हूँ कि मूवी में क्या होने वाला है, इसकी स्टोरी का जरा भी पार्ट मुझे पता लग जाए या किसी को भी पता लग जाए, क्योंकि हमें ये मूवी बेस्ट मूवी जो बाप मूवी आ रही है ये पूरी देखना है, थिएटर में जाके पूरा फील करना है, इस एक्सपीरियंस को अपने सामने से देखना है, बस मजा आ जाए निकाले, ऐसा टीजर निकाले। तो कुछ एक ट्रस्टेड सोर्सेज से पता लग रहा है कि यस टीजर पर काम चालू हो चुका है या एक आध दिन में हो ही जाएगा। दूसरा, इतना कम टाइम बचा है तो अब Tiger 3 का हाइप लगातार पोस्टर या कुछ ना कुछ लुक अपडेट करके Tiger 3 से रिलेटेड अपडेट करते रहना चाहिए मेकर्स को, या प्री प्रमोशन चालू कर देना चाहिए, इस टाइप का कुछ एक्शन लेना चाहिए। वैसे इसका जवाब भी आज मेरे पास, देखो 22 सितंबर को एक बार विकी कौशल की द ग्रेट इंडियन फैमिली मूवी रिलीज हो जाए, क्योंकि द ग्रेट इंडियन फैमिली को YRF ही प्रोड्यूस कर रहा है और सर्कुलेट भी कर रहा है, इसलिए थोड़ा खामोश है सितंबर तक। लेकिन इस मूवी के 4 से 5 दिनों के बाद ही यानी 28 या फिर 27 सितंबर के बाद YRF की दुनिया में सिर्फ Tiger 3 और भाईजान और सलमान खान बस यही गूंजने वाले हैं, और यही गूंजेंगे नवंबर तक, जब तक कि Tiger 3 रिलीज नहीं हो जाती, तबाही मचाती नहीं दिखती मूवी थिएटर में। तो भाई साहब दिल से बोल रहा हूँ बहुत मजा आने वाला है, सारे रिकॉर्ड्स टूटने वाले हैं, और एक बार इसका टीजर आ जाए तो मोटा मोटा ये भी पता लग जाएगा कि मूवी पहले 3 दिन में ही जवान के रिकॉर्ड को बीट करके 400 करोड़ के क्लब में एंट्री मार लेगी या नहीं मार लेगी, और फर्स्ट वीक में क्या 1000 करोड़ ये टच करने का दम रखती है, पोटेंशियल रखती है, तो ये अब आप लोग बताएं आपके हिसाब से क्या लगता है, फर्स्ट वीक में ही 1000 करोड़ टच कर जाएगी या नहीं कर जाएगी Tiger 3? नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, इसको भर दो अपनी अपनी राय से दोस्तों। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड और साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।